हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक गुड़हल के जो प्लांट्स है इसकी केयर। इतनी गर्मी में, जून का महीना है, तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है इसमें मैंने, तो आप देख सकते हो मेरे छोटा सा प्लांट है, छोटा सा कटिंग लगा रखा था मैंने ये, तो इसमें देखिए छोटे से कंटेनर में ही इस देखिए ये देखिए तेल के मतलब आपका ये जरा सी उसमें लगी हुई है मिट्टी में, तो इसकी आप रूट्स की ग्रोथ भी देख सकते हो। तो ये जो है कटिंग मैंने लगाई थी बरसात के दिनों में, तो अब देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो इसमें देखिए ढेरों कलियाँ बनी हुई है, देख सकते हो आप, छोटे छोटे मतलब टहनियाँ हैं इसमें, देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं। और इसमें देखिए फूल भी खिला है, दो तीन फूल और भी खिले हुए थे, तो इसमें भी देख सकते हो आप कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं, ये भी देखिए। तो ये जो है मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है जो इतने से छोटे से प्लांट में भी छोटे से कंटेनर में किस तरह से जो है फूल खिले हुए हैं। मैं आपको सभी मतलब गुड़हल है जो मेरे मैं दिखाती हूँ किस तरह से कलियाँ बनी हुई है, सभी जो गुड़हल है मेरे ये छोटे छोटे प्लांट्स है, देखिए इसमें भी मतलब फूल खिल चुका है। और ये देखिए इसमें भी बर्ड्स बने हुए हैं, ढेरों बर्ड्स है इसमें। तो मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है, कैसे केयर करना है इस गर्मी में, मैं आप लोगों से वही शेयर करूंगी। और जो कलिया है, आजकल गर्मी है, गर्मी की वजह से कलिया जो है खिले बिना ही इस तरह से आपके झड़ जाते हैं, तो किस कारण होता है ये भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो इसमें कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं, इसमें जो फूल खिले हुए हैं, और ये देखिए, और यहाँ पर भी सारे उसमें ही आपके बर्ड्स बने हुए हैं सभी में, ये देखिए सभी में लगभग बर्ड्स बने हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है मेरा प्लांट जो है वो भी हेल्दी बना हुआ है, और देखिए इसमें भी फूल खिले हुए हैं, ये देखिए बर्ड्स बना हुआ है। तो ये देखिए सभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से मतलब कलियाँ जो है मेरे गुड़हल में भर भर के कलियाँ आई हुई हैं। तो कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है मैंने, कैसे केयर किए हैं, इस विषय में आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। मेरे जो सारे गुड़हल हैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे, ये देखिए इस वाले में भी देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं ये, और ये वाले देखिए ये भी देख सकते हो इसमें भी कितने सारे गुच्छे में, कितने गुच्छे में ये आपके, और ये जो एक टहनी है इसमें देखिए भर भर के जो है आपके बर्ड्स, पूरे उसमें बर्ड्स ही बर्ड्स बने हुए हैं, ये देखिए। तो आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है मैंने शॉर्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। तो किस तरह से देखिए इसमें भी कलियाँ भर भर के आई हुई है। तो आप मतलब किस तरह से इसकी केयर करते हो इसके, और कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हो, क्योंकि इतनी गर्मी है तो आपकी इस गुड़हल या हिबिस्का जो होते हैं आपके परमानेंट प्लांट होते हैं, समर प्लांट होते हैं, समर में ही इसकी ग्रोथ होती है और समर में ही भर भर के फूल खिलते हैं। तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भी देखिए ये फूल दे रहा है, ये देखिए इसमें भी है सभी में लगभग आपके कलियाँ बनी हुई है, ये देखिए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मेरे जो गुड़हल है सभी में आप देख सकते हो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, इतनी अच्छी मतलब इसकी जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग चल रही है, तो ये सब केयर की वजह से है। इतनी गर्मी हो रही है, जून का महीना है, तो आप लोग किस तरह से केयर करते हो अपने गुड़हल की, उसमें भी आपका डिपेंड करता है कि फूल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और गर्मी की वजह से आपके जो प्लांट्स हैं जल रहे हैं, उसकी पत्तियाँ भी जल रही है, फूल जो है फूल भी पूरी तरीके से खिल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगी कि भाई इसके पानी के ऊपर जो पानी है आप किस तरह से देते हो, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में पानी अगर आप चाहो तो अगर ज़रूरत पड़े तो दो टाइम दो, अगर ज़रूरत तो मतलब ज़्यादा हो तो आप सुबह शाम जो है इसकी मिस्टिंग करें, प्लांट्स को जो पानी से अच्छी तरह से नहला दो, धुला दो, जो इसकी मतलब मिट्टी होगी, पत्तों में मिट्टी होगी, फंगस लगी होगी, वो भी साफ़ हो जाएगा और जो है इन्हें भी आराम मिलेगा। बहुत ही गर्मी है, गर्मी से राहत मिलेगी। गुड़हल में ज़्यादातर पत्ते पीले हो जाते हैं, पीले होकर झड़ने लगते हैं, तो इसका मेन कारण यही होता है कि मतलब वैसे तो बहुत सारे कारण हैं इसमें, अगर आपके पोषक तत्व की कमी होती है, अगर कैल्शियम की, आयरन की कमी होती है, उससे भी आपके पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, या फिर जैसे कि आपके मतलब ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग होती है, पानी ज़्यादा डालोगे तब भी आपके मतलब पत्ते पीले होकर झड़ेंगे, कम डालोगे तब भी आपके प्लांट्स के पत्ते पीले होकर झड़ने लगेंगे।
तो इस तरीके से पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और गर्मी है, गर्मी में तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सारे दिन की धूप होती है, वैसे तो गुड़हल जो होता है धूप में, मतलब धूप पसंद है, धूप में बहुत अच्छी तरह के ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो ये आपके जून जुलाई की गर्मी है, हमारे यहाँ तो 50 के ऊपर है, तो इस वजह से मतलब इसके पत्ते जो है उससे भी ख़राब होते हैं और फूल जो है पूरी तरीके से खिल नहीं पाता है। तो देखिए ये जो फूल है इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटे कंटेनर में है, छोटे सी जगह है, और इतनी गर्मी है इस वजह से भी फूल के साइज छोटे होने लगते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे बरसात होगी तो इसमें फूलों के साइज़ भी बढ़ जाएंगे और बड़े होके खिलने लगेंगे। तो इसे जो है आप छाए में रख सकते हो या शमी शेड एरिया में रख सकते हो, जैसे 12 बजे के बाद छाए में रख दो, और सुबह सुबह की जो धूप है वो धूप देना चाहिए, क्योंकि बिना धूप दिए अगर आप धूप नहीं लगाओगे प्लांट्स को बिल्कुल भी, उससे भी आपके जो प्लांट्स में फ्लोटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं, कलियाँ भी आपकी मतलब झड़ने लगती है अधखिले, तो इसकी गर्मी की वजह से भी हो जाता है, जो हमारे कलियाँ बिना खिले झड़ जाते हैं, और पानी की कम ज़्यादा से भी हो जाते हैं, आयरन कैल्शियम की कमी से भी हो जाते हैं, उसमें मतलब पोषक तत्व की कमी हो उससे भी हो जाता है। तो इस गर्मी में जो है विशेष ध्यान पानी का रखना चाहिए, ऊपर से इसके धूप जो है धूप का भी मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये प्लांट जो है पोषक तत्व अगर कमी हो उससे भी प्लांट्स की फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होते, पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं। तो फर्टिलाइज़र एक ऐसा देना चाहिए, क्योंकि हिबिस्कस जो है ये भी फीडर मतलब हैवी फीडर वाला प्लांट्स होता है, क्योंकि इसमें भी आपके जो है हैवी क्वान्टिटी में जो है हैवी क्वान्टिटी में जो है फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप पोषक की कमी हो जाएगी इसमें, अगर मतलब न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, इससे भी आपके जो प्लांट्स में है फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। तो आप जो है ऐसा मतलब फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जो ये आपका गुड़हल है इसको एसिटिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसकी सॉइल अगर एसिटिक रखोगे तो उससे भी आपकी जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग है वो भी अच्छा होएगा, और जो न्यूट्रिशंस आप देते हो उसे प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से कर पाता है। तो इस वजह से भी मतलब आपके जो गुड़हल है इससे भी आपके उसमें भी असर पड़ता है। तो अच्छे फर्टिलाइज़र दोगे, तो मैंने कौन से फर्टिलाइज़र दिया है, कैसे फर्टिलाइज़र दिया है वो आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। और एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके कलियाँ झड़ जाने का या फिर पत्ते पीले होकर झड़ जाने का, जो कलियाँ होती है आपके खिल भी नहीं पाती है, वो सबसे बड़ा कारण जो है आपका मिलीबग या फिर किसी तरह का इंसेक्ट्स। ये जो है बहुत ही भयंकर मतलब बीमारी होती है, ये जो होते हैं कीड़े या फिर आपके जो मिलीबग होते हैं, ये कलियों के जो रस होते हैं, पत्तों की जो नए नए पत्ते निकलते हैं इसके जो रस होते हैं उसको चूसते हैं, उसके बाद जो वो पत्ते होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, और जो कलियाँ होती है वो भी झड़ जाती है, जो मतलब खिल नहीं पाती है। तो आपको 15 दिन में एक बार जो है किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड या फिर जो है मिलीबग जो है उसके लिए भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा, या फिर होममेड अगर आप किसी स्प्रे का करते हो जैसे एलोवेरा का, या फिर आपके जो सोडा होते हैं बेकिंग सोडा, उससे भी आपकी मिलीबग को भगाया जा सकता है। तो देखिए मेरे भी ये कलियाँ देखिए ये गिर रहे हैं इनमें, वैसे तो इसमें कोई मिलीबग नहीं है, फिर भी देखिए कभी कभी ये ओवर वाटरिंग हो जाती है, अंडर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी पानी की बहुत समस्या चल रही है, इस वजह से मतलब कभी कभार हो जाता है। फिर भी देखिए मेरे जो प्लांट्स है इसमें देखिए किस तरह से कलियाँ बनी हुई है, गुच्छों में कलियाँ आई हुई है, और आप देख सकते हो जरा सा ये मेरा छोटा सा प्लांट है तो इसमें किस तरह से देखिए कलियाँ जो है भर भर के मतलब आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा कलियाँ और फूल भी खिले हुए हैं, पर ये खिले जो है मतलब ये बहुत छोटे साइज़ में हो गए हैं, क्योंकि वैसे भी प्लांट छोटा है, छोटे उसमें लगा हुआ है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी हो रही है, गर्मी के मारे भी आपके प्लांट्स फूल खिल नहीं पाते हैं। तो अगर आपके पत्ते एक दो पीले होकर झड़ते हैं तो वो कोई बात नहीं है, वो तो आपके गर्मी की वजह से हो जाती है। अगर आपके सारे प्लांट्स के पत्ते पीले हो गए तो क्यों, फिर तो आपकी मतलब प्लांट्स में कोई बीमारी लग गई है, जैसे कि मिली वगैरह या किसी पोषक तत्व की कमी से भी हो जाता है। वैसे तो मैं हर 15 दिन में एक बार इसमें स्प्रे करती रहती हूँ एलोवेरा की, या फिर आपके जो बेकिंग सोडा होते हैं बेकिंग सोडा उससे भी कर देती हूँ। तो देखिए आप छोटे से प्लांट है, मेरे छोटे से प्लांट में ही देखिए कितने सारे कलियाँ बनी हुई हैं, कितने सारे आपके फूल खिले हुए हैं। तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने ये जो है पहले बना के रख लिया है, ये देखिए ये खाद है,
इसमें मैंने भिगो रखा है एक चम्मच के करीब चाय की पत्ती, यूज़ की हुई चाय की पत्ती है। उसमें मैंने ले रखा है ये केले के छिलके, केले के छिलके को सुखा कर फिर पानी में भिगोया है। उसके बाद मैंने ले लिया है नीम की खली, ये जो आपके होते हैं बहुत ही अच्छा होता है। नीम की खली जो है जो फंगस वगैरह लगे होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और केले के छिलके जो होते हैं उसमें बहुत आपके पोटाश की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है, आयरन पाए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और फूल कलियों से भरा रहता है आपका प्लांट। और जो चाय पत्ती होती है, चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उसके अलावा आपके जो है नाइट्रोजन के अलावा भी आपके इसमें पोटाश रहता है, फॉस्फोरस रहता है, और जो होता है अमीनो एसिड वगैरह भी पाया जाता है जो प्लांट्स की सॉइल को जो है एसिडिक बनाता है। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको एसिडिक सॉइल बहुत अच्छा मतलब लगता है, और जितना आप एसिडिक सॉइल बनाओगे उतना आपके प्लांट्स जो है भर भर के फूल देता है। तो देखिए मैंने फर्टिलाइज़र जो है इतना ले लिया है, जितना आप फर्टिलाइज़र रहते हो उसका 2 गुना या 3 गुना पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के दिन है और गर्मी के दिनों में आपके फर्टिलाइज़र जितना आप ज़्यादा देते हो मतलब पतला करके देते हो उतना अच्छा होता है आपके प्लांट्स के लिए। तो देखिए इसे जो है आप 15 दिन में 1 बार या फिर 10 दिन में 1 बार अपने प्लांट में डालते हैं तो आपके जो प्लांट्स है वो फूलों से कलियों से भरा रहेगा, और जो न्यू ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा मैं आप लोगों से और एक फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, ये जो है आपका पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो ये देखिए ये है नींबू के छिलके से बनाया ये फर्टिलाइज़र है, बायो एंजाइम है। नींबू के छिलके को मैंने गुड़ के पानी में मिला रखा है, तो इसे हो गए हैं 1 साल भर से ऊपर हो गए। तो देखिए 1 चम्मच के करीब जो है मैंने ले लिया है ये नींबू के छिलके से बना बायो एंजाइम। तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है, और जो प्लांट्स होते हैं उसको भी एसिडिक बनाता है। तो मैंने मिला लिया है इनको अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जो है आप 15 दिन में 1 बार गुड़ाई ज़रूर करें किसी भी प्लांट्स की, और ये जो है आपके जो गुड़हल है इसमें भी आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये पानी पहले डाल रखा है, सुबह ही डाला था तो इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। जो ये प्लांट में या मैंने फर्टिलाइज़र डाला है ये इतने कारगर है, इतना मतलब असरदार है, जो आपके प्लांट्स है उसमें फूल और कलियों से भरा रहेगा। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला था इस वाले प्लांट में, तो देखिए उसके असरदार मतलब असर देखिए। तो आपका जो ये फूल और कलियाँ है देखिए किस तरह से, ये एक छोटा सा ही प्लांट है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देख सकती हो किस तरह से ये कलियों से भरा हुआ है, और इसके पहले भी कितने सारे फूल जो है खिल चुके हैं, खिल के गिर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने गुड़हल की देखभाल करोगे और फर्टिलाइज़र डालोगे तो आपके गुड़हल में भी भर भर के फूल और कलियाँ आएगी इस तरीके से। तो गैस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल अनुभास गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।